इसकी नानी अम्मा जा रही है। अभी तुम्हारी नानी अम्मा जा रही है, इसको अभी पता तो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ मैं सब बहनें और भाई क्या कैसे होंगे। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करना है। तो माशाल्लाह से आज जो है हाजी बेटे को जो है इसकी नानों ने जो है नहलाया है, तो अभी जो है ये देख सकते हैं आप, ये चूसी जो है अभी पी रहा है। तो इसकी नानो जो है तैयार होकर घर जा रही है और छोटे इसके मामू जो है लेने आ रही है। तो अम्मी जो अभी तैयार हो गई है घर जाने के लिए, इन्होंने तैयारी कर ली है घर जाने के लिए। क्या हो रहा है भाई? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो आज मेरी सासू माँ जो है ना जा रही है माशाल्लाह से घर, और बेगम थोड़ी उदास लग रही है। मुझे तो अभी से जो है बहुत दुख हो रहा है अम्मी के जाने से, क्योंकि अम्मी मेरे साथ होती थी तो इन्होंने मुझे बहुत ही एक एक चीज जो है आप देख सकते हैं। तो माँ जो होती है अपने बच्चों को भी पालती है, और जब उसकी औलाद हो जाती है तो उसे भी जो है माशाल्लाह से माओ का जो है ना बहुत ज्यादा साथ होता है। तो सासू माँ जो है ना माशाल्लाह से इन्होंने हमारे पास 10-15 दिन लगाए हैं, ऐसा समझ लें छोटा सा आदी था। तो ना ही बेगम को इस चीज की समझ थी और ना ही हमें घर वालों को कुछ था पता, तो बच्चे को माशाल्लाह से सावती रही हैं और करती रही हैं। अभी हमारा आदी जो है ना, अभी मैं तो मेरी भी अभी परेशानी खत्म हुई नहीं है, लेकिन परेशानी अभी भी है कि सासू माँ जा रही है, पता नहीं बेगम पीछे क्या करेगी। लेकिन ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं अभी को देखती रहती हूँ कि इसे जो है कैसे सुलाती है और कैसे दूध पिलाती है। नहीं अम्मी हूँ मकसद तो सही को कर देते समझा देते ना। हाँ हूँ अम्मा में फंसे थी तब की रात को इवे समावे इवे खीर पिलावे को जड़ा दा दूध को इवे पिलावे को समावे इवे बात जोड़ के परेशान हूँ क्योंकि डर भी है कि चले, पहले तो अम्मी ने टेंशन ली हुई थी सारी, तो अभी जो है ना अम्मी जा रही है तो ऐसा समझ ले थोड़ी थोड़ी टेंशन है कि। लेकिन मुझे नहीं है क्योंकि मुझे पता है इसका भी हो गया है कि किस तरह से खिलाना है और दूध पिलाना है। हर चीज हूं समझ गए कोई बात तू मैं तू लेके मेरी मैं तू लेगा तजर्बा है शुरू तो बाला को जिम्मे पाले जिम्मे परवरिश दी है वाल हर चीज का पता है पी है ना बाकी सारे छोटे बाल ने अंदर सा कहिया समझे जाए मामी है ये बड़े हैं ना बल हो ना है आपकी दी को रह गई है और यार दी को चलो इसको समझे दी रह गई है मैं को कहना है यार ये कोई ताव दी को चलो होन ताको टेंशन होन ताको दी थी टेंशन लेकिन होन अभी मेरी थी होन चक्कर चक्कर दूसरा मकसद देख बाल सारे दूसरा कर रही है चावा बात चंगा ही करे चल आप ले जी अब डाटी आती है जो बाकी तभी बस सारा कुछ होंदा दा अल्लाह दे तरफ हुई है लेकिन अपनी तरफ दा हर बंदा अपने ना 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 सही करे ना ना कोशिश करे हां अल्लाह हयाती करे हां ये आके आपे जड़ा ना आदि बेटा बड़ा तैयार सी यस
तो हमारा बेबी पहला बेबी है ना, हमें सब कुछ है परेशानी है, परेशान भी तो होती है ना हर बंदे को, नहीं ये नहीं है कि हमारा पहला बेबी है। तो फर्स्ट मैरिड जो भी होते हैं ना, जिनकी पहली शादी होती है, तो उनके लिए थोड़ी परेशानी ये होती है कि उनके बच्चों को फिर कैसे क्या करना है, क्या कैसे पलेगा, कैसे बड़ा होगा। तो ये कंफ्यूजन जो है ना माँ बाप के जहन में ये चलती रहती है। हाँ बस अभी जो है ना दोनों, एक मेरी माँ है, एक मेरी अम्मी जान है और दूसरा सासू माँ है, तो दोनों को मैंने अभी साथ बिठाया कि आप जो है ना एक दूसरे को जो भी बताना है करना है कर ले, ठीक है ना, क्योंकि एक अम्मी घर जा रही है, दूसरी फिर इधर रहेगी तो सही, तो अभी उसके सर पे जो है ना जिम्मेदारी दे के जा रही है मक्खन लस्सी देसी माल होता है, खा पी के बाली में बधे रहने पता ही ना लगता। मेडिसन थोड़े थोड़े ताकत आले चीजा खवा के बेगम मेरी माशाल्लाह मोटी ताजी है भाई, मक्खन शक्कर नहीं क्या नहीं खाता चलो अल्लाह खैर करे सी। इसकी नानी अम्मा जा रही है अभी, तुम्हारी नानी अम्मा जा रही है, इसको अभी पता तो नहीं है अभी लेकिन। अभी अभी पहुंचा हूँ जी घर, बेगम की अम्मी चली गई है और बेगम का रोने वाला हाल है, रोना नहीं है आपने। आदि बेटा क्या कर रहा है? खेल रहा है। ये अभी लेके आया था आपके लिए, ठीक है, आज मटर बना लेना। हाँ आलू मटर, आलू पड़े हुए थे और मटर लेके आया हूँ, और जब रोना है तो ये नरम पीस बच्चों वाले आपके लिए लेके आया ये खा लेना, ठीक है। हाँ मक्खियाँ, मक्खियों से लड़ रहा है, ठीक है ना। सुहाना किधर है? वो अभी आ रही थी। ए चाह गिनो अम्मी सब्जी। हाँ आलू मटर बनाया चाह। चलो सब्जी बड़ा। सुहाना भी आ गई है। मैंने कहा भाभी के साथ बैठो, ये आज रात इसने बड़ी औखी गुजारनी है, इसकी अम्मी चली गई है बिचारी, कोई बात करने वाला है ही नहीं उसके साथ। उसका बेटा है ना? बेटा तो है उसका। दूध पिलाऊंगी, समाऊंगी और क्या करूंगी, इसकी देखभाल करूंगी और क्या करूंगी, देना तो अब इसमें बेटे के साथ इसका मिलेगा ना। फिर भी जो कुछ भी हो, अकेले में मैं अभी आया हूँ ना, इसका ऐसे रोने वाला मुंह था जैसे अभी एक मिनट में ऐसे रो पड़ती। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ ना, इसलिए उदासी से महसूस ही ना हो, चार चफेरे इसके इकट्ठी होके बैठ जाओ ऐसे चारे पासों, ताकि इसको उदासी ना लगे किसी पासे में से। कहाँ गई थी? हादी बेटे के और मेरे जो है कपड़े मैंने धोए थे वही उतारने गई थी। यार हादी बेटे को अकेला ना सुलाया करो। नहीं वो अभी खेल रहा है, मैंने कहा थोड़ी देर जो है अभी खेल ले, फिर जो है रात पूरी रात होती है सो जाता है फिर। अच्छा मैंने उसे सुला दिया वो भी खेल। नहीं फिर भी अकेला ना छोड़ा करो। नहीं नहीं अकेले नहीं हूँ मैं, अभी देख रही हूँ ना। अच्छा फिर ठीक है, अभी रो रहा है वो, देख वो अभी रो रहा है, उसका टाइम हो गया। अम्मी क्या कर रही है? अम्मी किचन में काम कर रही है।